बढ़िया बढ़िया है जी। सो पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात कुमार, ओके। ये बताइए, एक तो आपने आधे अधूरे सारे डिटेल भरे हैं, क्यों पूरा भरा नहीं जा रहा था आपसे, या फिर पता नहीं था आपको? नहीं नहीं, जितना आ रहा था वो उतना मैंने फिल कर दिया। अच्छा जी। तो आपको इतने सारी चीजें नहीं आ रही थी जो आपने ये खाली छोड़ रखा है? समझ में नहीं आ रहा, इसलिए समझ में नहीं, आपको पूरा टाइम लेके थोड़ा सा सोच समझ के आपको इसको पूरा फुलफिल करना था, समझ रहे हो आप? कहाँ से आए हो आप? बिहार से। बिहार से, बताइए कंसर्न क्या है आपका? बस बिजनेस करनी है बिहार में, एक्चुअली जहाँ पे रहता हूँ मैं। एक मिनट, बिजनेस करना है आपको? किसने बताया आपको? आपके मैनेजर जी प्रदीप जी ने। और आप प्रदीप जी को कैसे जानते हो? बस फ्रेंड के तौर पे। फ्रेंड के तौर पे? अच्छा, वो आपके दोस्त हैं? नहीं, मेरे फ्रेंड के वो फ्रेंड है। अच्छा, मतलब आपके नोन में ही है। ठीक है, आपको बिजनेस करना है, और बिजनेस करना कहाँ पे है? बिहार में ही। बिहार में ही करना है? ठीक है, और बिहार में क्यों करना है, यहाँ क्यों नहीं करना है आपको? एक्चुअली प्रॉपर बिहार से हैं, तो वहाँ। आप प्रॉपर बिहार से हो? हाँ जी। करते क्या हो आप? मैं बस जॉब करता हूँ। हाँ जी। और अभी फिलहाल मेरे पास तो जॉब और बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी तो जॉब छोड़ दूंगा फिर। अभी तक कर रहे हो आप जॉब? नहीं, छोड़ चुका ना। छोड़ चुके हो आप, बोल रहे हो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब छोड़ोगे। अच्छा, आप छोड़ चुके हो, आपको बिजनेस करना है, राइट? ठीक है, तो आपको बिजनेस बिहार में ही करना है। आपको पता है कि बिहार में मतलब आप कितना बिजनेस कर पाओगे, कितना आपको, आप कितना वहाँ से अर्न कर पाओगे, ये सारी चीजें पता है आपको? वो पता नहीं है, प्रदीप जी ने बताया कि आपसे जाके कंसल्ट कर रहे। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना, आपने कुछ तो मॉड्यूल बनाया होगा, कुछ तो आप अपने प्रॉफिट और प्रॉफिट और आपने इनकम के बारे में कुछ तो सोचा होगा कि आपका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा, कुछ तो सोचा होगा आपने। अभी तक तो सोचा। अच्छा, आपको बिहार में ही क्यों करना है, क्या वजह है, आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बोल रही हूँ आप यहाँ करो। बिहार में एक्चुअली गरीबी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वो बहुत सारे लोग। आप ये कह रहे हैं कि बिहार बहुत गरीब है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। फिर मतलब जो वहाँ फैमिली रहते हैं ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, okay. वहाँ पे ज्यादा थोड़ा गरीबी है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, तो आप चाहते हो कि आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करो ताकि लोगों को काम मिले। चलिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ना क्या इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, अमाउंट क्या? 5 to 6 lakh। 5 to 6 lakh? लेकिन आप मेरी बात अगर आप सुनो तो 5-6 lakh में आप क्या बिजनेस कर सकते हो? वैसे तो है कि बिजनेस बहुत कम में भी स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, आप समझ रहे हो जी। हमारा जो बिजनेस है ना, वो डायरेक्ट, आप समझ रहे हो जी, D2C है, डायरेक्ट टू कस्टमर है। हम ऐसा चाहते हैं कि जो बीच वाले जो पोर्शन होते हैं हम वो रखें ही ना, समझ रहे हो आप? मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डायरेक्ट कस्टमर तक की डील है हमारे पास। आप अगर एक छोटा सा भी स्टोर खोलते हो, आप अगर मान लो कि ये आप एक छोटा सा स्टोर खोल रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें? उतनी तो लग जाएगी, 5 to 6 lakhs लगभग। बैकअप क्या है आपके पास? बैकअप तो है नहीं, लोन के लिए अप्लाई किया था बट वो होगा नहीं। अगर लोन होगा भी नहीं, क्योंकि लोन जब ईजी तभी हो जाता है जब ITR देते हो, और आई एम श्योर कि आप ITR नहीं देते होंगे, राइट जी? आइडिया ही नहीं है कुछ बिजनेस का। बिजनेस का आइडिया नहीं, तो आपको पहले थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए। देखो, आप यहाँ तक आए हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में स्टडी तो होना चाहिए, समझ रहे हो आप जी? ठीक है, सो आप ना, आपके पास 5 to 6 lakh है, बिजनेस भी आपको करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ओके, पहला ऑप्शन है कि आपके लिए लोन हेल्प करके, समझ रहे हो आप जी, लोन का हेल्प करके आपके लिए आपका स्टोर जो भी होता है आपको फ्रेंचाइजी के तौर पे आपको वहाँ पे काम दे दिया जाए, ताकि बिहार के लोगों को भी जहाँ आप रहते हो, जो जिस बात को आप बोल रहे हो, वहाँ पे उनको रोजगार मिले ना। भी तो कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप समझ रहे हो, बहुत सारे फैमिली को रिलीफ मिलेगा जी, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा बाहर आएंगे वो जी। ठीक है, दूसरी चीज ये कर सकते हो कि आपने अभी बोला कि आपको अभी बिजनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, राइट जी? तो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए, और बाकी जो आपके पैसे हैं उस पैसे को प्रॉफिट में भी लाना चाहिए। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि 5 to 6 lakh जो आपके रुपए हैं वो आप हमारे बिजनेस के साथ इन्वेस्ट करो, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डायरेक्ट कस्टमर तक की जो हमारी चेन है, आप इसमें ये 6 lakh आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज सीख सकते हो,
बिजनेस एक्चुअल चीजें आप सीख सकते हो कि कैसे बिजनेस में डील करते हैं, कहाँ से आप लाइक आप कहाँ से कॉन्टैक्ट से लेकर के कैसे कस्टमर तक पहुँचते हैं, कैसे आप ट्रस्ट गेन करते हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं, समझ रहे हो, ये सारा जो खेल है वो सेल का है। तो ये चीजें आप सीखोगे, समझ रहे हो। दूसरी चीजें ये है कि आपको इस चीजों से एक फायदा ये होगा जी। कि आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में भी जाएगा, ये 100% है आपके प्रॉफिट का चांस, इसमें माइनर इसमें है ही नहीं कि आपका 99% चांस है, ये आपका 100% चांस है। ओके। कि आपका जो 5 लाख अगर है तो आप में भी 5,50,000, 5-6 लाख, 7 लाख हो सकता है आपका, लेकिन ये एक भी रुपए कम नहीं हो सकता है। ओके। समझ लो 4,99,999 रुपए भी नहीं हो सकता वो। तो प्रॉफिट आपके पास 100% का है, आप सीख सकते हो यहाँ से। ओके। ठीक है। तीसरी चीज़ें ये है कि आप अपना वहाँ पे स्टोर खोल लो, आपका कोई बैकअप नहीं है, हो सकता है वो काम चले क्या चले, आपके पास स्टाफ से डील करने का भी नॉलेज नहीं है कि आपको स्टाफ के साथ कैसे डील करना है, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है आपको। अच्छा, आपने जब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने सोचा है कि किस तरीके की डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कुछ भी सोचा है? अभी तक तो सोचा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, 10 तरीके का तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो ट्रेड लाइसेंस से लेकर के, फसाई लाइसेंस से लेकर के, उद्यम आधार से लेकर के, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? नहीं। तो आप अपना बिजनेस बिना जीएसटी के डील करेंगे, कैसे हो सकता है? अभी तो सोच रहा था बस। अब प्रदीप जी, तो इन सब 4 चीजों के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, आप बहुत प्रॉफिट में रहोगे। एक तो बहुत सारी चीजें कि आप सीख जाओगे सब कुछ। ओके। दूसरी चीजें ये होगी कि हम आपको फ्रेंचाइजी करके देंगे अपना जी, ये दूसरी फायदे की चीज हो गई आपको। तीसरी चीजें ये है कि आपका जो अमाउंट है वो अभी जो आपके पास 6 लाख है ये डे बाई डे बढ़ता रहेगा। ओके। ठीक है। You have to think about that कि आपको कौन सा कंडीशन चलेगा, जैसा आप चाहते हो, क्योंकि हमारा एम ये है जी। जो भी बिजनेस के माइंड से लेकर के आ रहे हैं, जिनको भी बिजनेस करना है, उन सबको सपोर्ट करना, उन सबको चांस देना, समझ रहे हो आप? ओके। बेशक आपका अमाउंट 5 लाख का है, ये अगर आपका अमाउंट 2 लाख का भी होता तो आपको ये सारी चीजें चांस मिलता, समझ रहे हो आप? सही है। फिर क्या लग रहा है आपको, आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो? आपको क्या लग रहा है कि अगर आप आपको नदी पार करना है तो आपको क्या आना चाहिए? तैरना तो आना चाहिए। नाव भी चाहिए? हाँ जी, नाव भी चाहिए। अगर तैर नहीं पा रहे हो तो नाव तो चाहिए एटलीस्ट। तो वही चीजें हैं, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज रखो तो आपके लिए फायदे की है। तो आप क्या चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, और फिर आप क्या करना है, आपका लोन आगे प्रोसीड करना है, क्या करना है? अभी तो फिलहाल लग रहा है कि सीख कर ही आगे बढ़े। आप बताना कि आपको कब आप पेमेंट कर रहे हो, फिर okay. उसके बाद से आप कैसे हमारे साथ जुड़ रहे हो, आप जुड़ो, आगे की बात तब करेंगे हम। okay. ठीक है। okay. तो आज से आप हमारे साथ बिजनेस में जुड़ चुके हो। okay. कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्चुअली बिहार के लिए बहुत चीज करनी है मुझे। okay. तो वहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे ज्यादा गरीबी है, उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, मतलब बहुत कम काम है, उनको मैं काम देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरा भी एम है, हमारे जितने भी हमारे, तो इवन फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी बिहार जाने वाला है। okay. तो हमारा बहुत सारा, हमारा ऐसा प्लान है कि हम बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। ठीक है। पेमेंट मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आप जैसे भी कर सको, जितना आप अकाउंट ट्रांसफर या फिर चेक, जैसे भी आप करना चाहो, आप प्रदीप जी से बात करना, वो मैनेज कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करके कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये वीडियो किससे रिलेटेड था, ये किस तरीके का वीडियो था और क्या इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है बिजनेस का। बहुत सारे लोग हैं, ये बिजनेस वर्ड सुन के ना उनके मन में ख्याल आता होगा कि उन्हें बिजनेस करना है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ जुड़ के
आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उन्होंने देखा होगा कि हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और डे बाय डे हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ के स्टार्टअप कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट यहाँ पे 100% है। हमें सबको मिलकर ये हमारा 2023 का एक रिवोल्यूशन है कि हमें इस इंडिया को एक नई पहचान देनी है हर एक क्षेत्र में। हम यहाँ के एक एक इंसान को इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और इन सब में आप लोगों का साथ है। ये हमारा इनिशियल स्टेज है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस बार आप लोगों के लिए एक और सुविधाएं हम लोगों ने बनाई है कि आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको नंबर आपको टाइटल में डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा। आप वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जल्दी रिप्लाई के लिए, मे बी कॉल का रिप्लाई आपको लेट जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी रिप्लाई मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए इस मुकाम को हम लोग साथ मिलकर छूते हैं और साथ मिलकर तरक्की करते हैं। ये रिवोल्यूशन है 2023 का कि हम इंडिया को एक नई पहचान देंगे।